अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग बसरिश। हाँ जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि हम एक वेडिंग पे गए थे, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन के लिए जो मेरे मेकअप का हाल हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बताते हैं कि इसको हम सेट कैसे करेंगे। ये देखें, जब भी किसी शादी में जाऊँ तो मेरे मेकअप का ये हाल होता है। इसमें नेल्स है, मैंने नेल्स ट्राई किए थे। हाँ जी, सबसे पहले हम जो टिश्यूज वगैरह उठाएंगे यहाँ से, गार्बेज करेंगे, पेंसिल्स वगैरह की, उसके बाद हम ये ब्रशेस वगैरह ब्रश के बॉक्स में डालेंगे। उसको भी ज़्यादा से अरेंज करना पड़ेगा मुझे, लाइनर दो ब्रशेस। ज़्यादा मैस कर दी, वैसे मैं इतना मैस नहीं करती। पहले इसकी हालत देखिए थोड़ा सा। हाँ जी, फिर उसके बाद नेल्स उठा। ओह शिट, मेरा फाउंडेशन टूट गया। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आ। मैं बड़ा नुकसान, क्योंकि रिमल का फाउंडेशन था मेरा टूट गया। हाँ जी, ये तो टूटा, साथ में मेरे हाथ में कट्स करने लग गए इस वजह से। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। स्टार्ट टू सेट माय मेकअप। पोनियां वगैरह रखी हुई हैं, मेरी बेटी की पोनियां हैं ये सब। ये भी मैं सामने रखती हूँ क्योंकि जब मुझे चाहिए होती है मुझे मिलती नहीं। ये मैंने रखी है, इसके ऊपर ये रखी है। ये मैं दिन को लैशेज लेके आई थी। ये लैशेज है, अभी ये भी मैंने आई लैशेज है ये सेट करके रखी है। ये मैं उस बॉक्स के ऊपर ही रख देती हूँ। अब तो मैं ये मस्कारा वगैरह उठाऊंगी, ये भी मैं इस बॉक्स में एड करूंगी, ब्रशेज ऐड करूंगी, जो इसमें आ रहा है मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँगी। लिप ग्लॉस, ठीक है, ये मैंने आ रहा। अब ये एक रिमल की रहेगी, अब ये बच्चा है। ऑलरेडी एक तो टूट चुकी है मेरी, ठीक है। अब सबसे पहले ये पैलेट, इसमें इसकी जो पैलेट्स हैं ये बॉक्स की, ब्यूटी फाइव बाय अमना की, मैंने ये आपको पहले भी दिखाया था। इसकी पैलेट में मैं बॉक्स पहले साइड पे करती हूँ। हाँ जी, उसके बाद ये वाला बॉक्स आता है, हाथ लगाते फिर डर लगता है, गिर जाते। अब ये बॉक्स है, ये मास्क को शॉपर छोड़ते हैं, ये भी ब्रश है, इसको भी मैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी मैस करना होगा। ये देखिए, ये भी आई लैशेस हैं जो कि बनी टाइप की हैं, ये भी हम इधर साइड पर रखते हैं। इस पर मैंने आज नेल्स पे नेल्स लगाए थे वो पड़े, इनको भी इसके बॉक्स में डाल, ठीक है। ये मैंने इधर भी फिलहाल साइड पर रखूँगी क्योंकि इसको बाद में करूँगी, पहले इसको मैं सेट कर लूँ सारा, ठीक है। ये मेरा, ये मेरी पैलेट है, आई शेडो पैलेट, ये भी मैं इसमें रखूँगी। अब क्या क्या क्या, ये ब्लश है पैलेट, ये छोटी है इसको मैं इधर रख दूँगी। ये लिप पैलेट है, अब इसको मैं मिक्सी बॉक्स में रखूँगी। ये बॉक्स अच्छा है मेकअप के लिए, काफ़ी इसमें सामान मेरा सेट हो जाता है। ये भी आई शेडो पैलेट है, ये भी आई शेडो पैलेट है, ये मेरा प्राइमर है, ये भी मैं यहीं पे सेट करूँगी। ये लैशेज है, ये वेस्ट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ठीक। ये लिप पेंसिल्स हैं, ब्रशेज हैं, लिपस्टिक के ये मैंने इसमें डाल दिए। ये देखिए,
ये भी आई शेडो पैलेट है, ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे। अब ये मेरे पास जेल लाइनर है, मैं इसका रिव्यू भी दूंगी। ये जेल लाइनर बहुत मजे के हैं, बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखें, ये बहुत अच्छे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये भी मैं इसी में सेट करूंगी, लेकिन ये इसमें नहीं आएंगे बंद होगा। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, उधर से कुछ सामान उठा लेती हूँ। ठीक है, ये भी टूट गया, ये भी कब उठाएंगे। हाँ जी, अब करेंगे इस बॉक्स को बंद। ये हो गया बंद, इसको मैं लॉक कर दिया। ओह सॉरी, लैशेज गिर गए नीचे, इसको एंड में सेट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर मैं ये पैलेट, ये बॉक्स रखूँगी। हाँ जी, उसके बाद ये छोटा बॉक्स है, इसमें भी काफ़ी मैच करना है। लेकिन ये कि मेरे ज़्यादातर लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस इसके अंदर होते हैं, नेल्स होते हैं इसके अंदर, तो मैं लिप ग्लॉस निकाल के इसमें डालूँगी। ये मस्कारास हैं, मस्कारास डालूँगी। ठीक है, ये मैंने ये चला गया स्पॉट। अब सेट करते हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो रहेगी। सबसे पहले लोशंस को ठीक करके रखना है। ठीक है, इनके भी सतिया ना। ये बॉक्स है, नहीं ये बैग, इसके अंदर ये प्राइमर हैं, पेंसिल्स हैं, फाउंडेशन हैं, मस्काराज हैं। ये बहुत कम यूज़ होते हैं मेरे, ये इसलिए इस बॉक्स में डाल दिया हमने, इधर साइड पर रख दिया। ठीक है, अब ये सेट कर। फिलहाल इसको बाद में, ये बॉक्स मैंने पीछे कर दिया, ब्रशेज वाला, ये लिप पेंसिल्स वाला, ये पाउडर है, ये मेकअप रिमूवर है। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि मेरा मेकअप थोड़ा उतरता नहीं है ना इजीली, नमाज पढ़ते हुए फिर मुझे बहुत मसला होता है, इसलिए मैं इससे रिमूव करती हूँ, ये इजीली रिमूव कर दे। ये ब्रश, ये हेयर स्प्रे है। ठीक है, ये भी ब्रश मैं इसी में डाल देती हूँ। ये मेरी फाउंडेशन, एक ऑलरेडी टूट चुकी है, अब इनकी बहुत एहतियात करूँ। ये भी रिमल की और ये रिवाज यूके की है, पर इन दोनों का बहुत अच्छी कवरेज है। ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी बेल्जियम से, मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए एज अ गिफ्ट। ठीक है, मेरा मेकअप सेट हो चुका है, अब फाइनल लुक देखे मेरे मेकअप।